मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने त्राही माम मचाया हुआ है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें डूबी हुई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। कहीं बांधों के गेट खोले जा रहे हैं तो कहीं पूरे के पूरे गांव पानी में ही डूबे जा रहे हैं। ये तस्वीरें सतना जिले की हैं, जहां लगातार बारिश ने ये कहर मचाया हुआ है। सड़कें समंदर बन गई हैं, कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। ऐसा ही कुछ हाल कटनी जिले में भी देखने को मिला। यहाँ पिछले 24 घंटे की जमाझम बारिश से पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। यहाँ के एक पुलिया के बीच एक सरकारी वाहन भी फंस गया। किसी तरह चालक ने निकलकर अपनी जान बचाई। थोड़ी देर में बोलेरो पूरी तरह से छत तक डूबी नजर आई। बता दें कि पूरे प्रदेश में ही इस समय बारिश का कहर दिखने को मिल रहा है, जहां शनिवार को रीवा में दीवार गिरने से 4 मौसमों की मौत हो गई थी तो रविवार को भी सागर में एक जर्जर दीवार गिरने से 9 मासूम बच्चों की मौत हो गई। वही ये भी बता दें कि जबलपुर के बरगी बांध के 21 में से 9 गेट खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा पूरे उफान पर आ गई है। मंडला जिले में भी नर्मदा अपने रौद्र रूप में दिखी। यहाँ घाटों के आसपास के मंदिर पूरी तरह से डूबे नजर आए। फिलहाल रविवार के लिए मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, देवास, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह। वहीं 18 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में इस समय बारिश के 2 सिस्टम एक्टिव है, जिस वजह से प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सतना से वेंकटेश द्विवेदी के साथ कटनी से अमर तामरकर की रिपोर्ट, एमपी तक।